और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं, जहां धामी सरकार अब लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी बनाएगी। गढ़वाल के गौचर और श्रीनगर में नए शहर बसेंगे, जहां पौड़ी जिले में दो नए शहर बसाए जाएंगे। कुमाऊं मंडल में भूमि का चयन किया जाएगा, दो शहरों के लिए जल की भूमि भी चयनित की जाएगी। धामी सरकार अब लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी बनाने वाली है, जहां गढ़वाल के गौचर और श्रीनगर में अब नए शहरों को बसाया जाएगा। पौड़ी जिले में दो नए शहर बसाए जाएंगे, जबकि कुमाऊं मंडल में भूमि का चयन किया जाएगा। दो शहरों के लिए जल्द ही भूमि का चयन सरकार करने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार अब लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी बनाने वाली है, सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी दीजिएगा कि लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी क्या है और इससे क्या फायदा होगा। देखिए, जो भी सरकार के अधिकार क्षेत्र की भूमि है, इस भूमि का किस तरह से सदुपयोग हो सकता है, जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उनके जो निदेशालय बने हुए हैं, उनके जो जो कार्यालय बने हुए हैं, और सरकार के राजकीय जो कर्मचारी हैं, उनके रहने की जो कॉलोनियां हैं, इनके आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि का जो है वो सदुपयोग हो सके, सरकार इस पर फोकस कर रही है। और यही वजह है कि जो राज्य की लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो है उसको लाने की तैयारी की जा रही है। पूरा का पूरा नैन्सी प्रारूप तैयार किया जा रहा है, खास तौर पर नए शहर बसाने के लिए। चूंकि हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ माह पहले, जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उस दौरान ही मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि जो जो भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, और सभी से अधिकारी कवायद में जुट गए थे। और अब जो भूमि है, सरकारी भूमि, उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, इसी के लिहाज से ये लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी तैयार की जाएगी। इसमें तमाम पहलुओं को फोकस किया जाएगा कि कैसे भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार कई शहर जो है नए बसाने जा रही है। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात कर लें तो जो पौड़ी जिले का श्रीनगर है, यहाँ पर एक नया शहर बसाए जाने की सरकार प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा जो चमोली जनपद का जो गौचर क्षेत्र है, इसमें भी इस क्षेत्र में भी नया शहर बसाने की लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। और आने वाले समय में जो उत्तराखंड का कुमाऊं का क्षेत्र, कुमाऊं मंडल का जो इलाका है, यहाँ पर किन स्थानों पर नए शहर बसाए जा सकते हैं, इसके लिए भूमि का चयन किया जाएगा। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे सरकारी भूमि का सदुपयोग हो सकता है, कैसे जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटाया जा सकता है और कब्जों से मुक्त कराया जा सकता है, इसके लिए भी सरकार प्लान कर रही है और पहले अभियान भी चला चुकी है। तो लगातार सरकार की ये कोशिश है। और जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, खासतौर से चारधाम यात्रा मार्ग है, देहरादून के जो ऋषिकेश क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कर्णप्रयाग तक जो रेल परियोजना का कार्य किया जा रहा है, इसको भी ध्यान में सरकार रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जो एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, और आने वाले समय में जब ये पॉलिसी तैयार हो जाएगी तो इसके नियमों के तहत ही जो भूमि है सरकार की, उसका सदुपयोग हो सकेगा। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।